हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है वो क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है, कितना इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, आप सोच सकते हो। क्योंकि इतना ज्यादा लास्ट के कुछ दो महीने एक महीना बचा है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो भी आ चुकी है, नवम्बर में आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है और कहां से पढ़ना है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जीके और जीके का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आने वाला है, आपको किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ये चीज बताने वाला, किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें इसमें जो दिया गया है सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको पूछा जाएगा, आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो बढ़िया होनी चाहिए। उसके साथ में जो आपके करंट के इवेंट्स हैं, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा फोकस करना, जो करंट में इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे देश में, G20 से संबंधित, चंद्रयान से संबंधित, और भी जो स्पेस क्राफ्ट या कुछ भी संबंधित इससे, G20 या कोई भी जो करंट में चल रहा है उससे संबंधित, जो पिछले एक साल में चला है वो आपको पढ़ना है। आपके एवरीडे मैटर्स, जो भी मैटर होते हैं, हमारे पीएम बाहर जाते हैं, यहाँ पे कोई स्कीम लॉन्च होती है, कोई और मैटर हुआ है, सारे एवरीडे मैटर्स, क्वेश्चन रिलेटिंग टू आपके जो पर्सन है वो संबंधित, इंडिया और उसके आसपास के नेबर कंट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, वो आपके ज्योग्राफिक क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई इस देश की और इस देश की सीमा लगती है, उसका क्या नाम है, कहां पे टच होती है, कौन कौन से देश हमारे देश के टच होते हैं, समझ गए। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी में। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, जो रेट वगैरह है, जो भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, बजट वजट के बारे में सारा आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा जनरल पॉलिटी, जो इंडिया की पॉलिटी है, पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे, कौन कहां का सीएम है, कौन कहां का जो कौन पीएम है, समझ गए, राष्ट्रपति कौन है, इससे संबंधित, मेरे कहने का मतलब मोटा मोटा बता रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो वो आपको पढ़ना है। आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बना, कब बना, कितने दिन लगे, क्या हुआ, कौन से सेक्शन में क्या है, सारा चीजें। साइंटिफिक रिसर्च, ये जो रिसर्च वगैरह हो रही है इनके बारे में मोटे मोटे टॉपिक ये हैं, मैंने टॉपिक बताया, इसके अंदर की गहराई आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपका जीके का टॉपिक है, इसमें से आपका जीके पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। उससे आगे आता हूं रीजनिंग, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपका जो रीजनिंग का जो आपके जो भी 24 25 या 30 टॉपिक के आसपास है, आपको पहले तो सारे टॉपिक क्लियर करने हैं, थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो 25 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो कम से कम आपको 23 से 24 क्वेश्चन को टारगेट कम से कम करके चलना है। जो बच्चा मैथ और रीजनिंग में अच्छा टारगेट लेके चलेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जीके तो कहां से आ जाए किसी को कुछ आइडिया है नहीं भाई। ठीक है, तो इसमें एनालॉग्स, सिमिलरिटीज वगैरह, डिफ्रेंशिएशन, विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, नंबर सीरीज, जो सीरीज वगैरह होते हैं, जो रिलेशनशिप वगैरह होती है, जो एबीसी आती है, नंबर एक नंबर छोड़ के वो सीरीज वगैरह, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें रीजनिंग में पूछी जाएगी। जो भी आपके जो 25-30 टॉपिक हैं वो टॉपिक आपको सारे करने हैं रीजनिंग के, ये मान के चलो। ठीक है, अब बात आती है कि सर करें कहां से, रीजनिंग की कोई बुक नहीं मिलती, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आप लोगों को गिव अवे करने वाला हूं जो आपके प्रैक्टिस सेट है दिल्ली पुलिस के सारे सब्जेक्ट के, जो आपके चार के चार सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के मैं गिव अवे करने वाला, जो प्रैक्टिस सेट की बुक है किरण पब्लिकेशन की, वो उन लोगों को दी जाएगी जो लोग इस वीडियो को, इस वीडियो के जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको इंस्टाग्राम का, जो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करेगा और ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम कि उस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेगा, इंस्टाग्राम पे ये वीडियो मिलेगी, जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा, और 11 तारीख को एक गिव अवे दिया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा, उसका देखूंगा, वो स्क्रीनशॉट लेके रखेगा कि भाई मैंने सबसे ज्यादा लोगों को शेयर किया है, उसके घर पे 11 तारीख को ये किताब मैं यहां से भिजवा दूंगा, और कम से कम उस वीडियो पे 11 तारीख तक 5000 व्यूज होने चाहिए, 5000 व्यूज और 1000 लाइक उस वीडियो पे होंगे तो आपके घर तक ये किताब पहुंच जाएगी, जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा। ठीक है, और चारों के चारों प्रैक्टिस सेट, और जिसको नहीं मिलते हैं वो प्रैक्टिस सेट आप बाहर से भी लगा सकते हो, लेके चारों सेट प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। पढ़ तो रहे हो, कर तो रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन किस तरीके आए, किस तरीके से आएंगे, तो उस किताब में यही बताया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन हैंडल करना है,
सबसे बड़ी बात होती है मैथमेटिक्स की होती है कि सर क्वेश्चन हम कर तो देंगे समाधान, लेकिन हमें यह नहीं पता क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपको करना पता है कि क्या करना है तो आप समाधान कर दोगे। तो उस किताब में यही बताएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, और जो भी 1 महीना 2 महीना आपका बचे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। आगे बात करता हूं मैथमेटिक्स की, 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, जिसमें आपके नंबर सिस्टम, होल नंबर, न्यूमेरिक सिस्टम, डेसिमल्स वगैरह, फ्रैक्शंस वगैरह, रिलेशनशिप से संबंधित, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन, एवरेज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, गति चाल आएगी, ठीक है, समय और काम आएगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपके 17-18 टॉपिक हैं जो मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक को मान के चलो, उसके अलावा एक मेंसुरेशन भी आपको टॉपिक थोड़ा सा देख लेना है, वो टॉपिक भी इसमें दिया गया है, उससे संबंधित भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। तो मेंसुरेशन से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है वो आपको देख लेना है। उसके बाद करता हूं जो मेन टॉपिक आता है, सर कंप्यूटर कहां से करें और कंप्यूटर में करना क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि मैथ रीजनिंग और इसका जीके जीएस का तो पता है कि सर ऐसे ऐसे पढ़ना, लेकिन कंप्यूटर क्या पढ़े और कहां से आएगा। तो कंप्यूटर की भी मैं बुक है वो आपको साथ में सेंड करूंगा, जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और जो इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया है वहां पे जाके फॉलो करके उसको शेयर करेगा। आगे जो टॉपिक आता है कंप्यूटर का, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, इसमें क्या क्या आएगा, उसमें तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स आएगा, एक एमएस एक्सेल आएगा, एमएस वर्ड आएगा, कम्युनिकेशन के बारे में आएगा, इंटरनेट के बारे में आएगा, WWW क्या होता है उसके बारे में आएगा, और वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं उसके बारे में आएगा। अब बात करते हैं, ये तो सर आपने बताया, इसके अंदर से क्या क्या आएगा मैं वो बात भी बता देता हूं। ये तो मेन टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर छोटा जो टॉपिक है उसपे क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें सबसे बात करूंगा सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, उसके अंदर क्या क्या आएगा दोस्तों, आपका जो भी भाई कोई भी आप फाइल खोलते हो, फाइल ओपनिंग के बारे में, किस तरीके से फाइल ओपन करोगे, किस तरीके से आप उस फाइल को क्लोज करोगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स उसमें सेव करोगे, किस तरीके से उसमें आप टेक्स्ट लिखोगे, किस तरीके से आप उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, सबसे पहला जो टॉपिक है उसके अंदर। आगे बात करते हो एमएस एक्सेल में क्या क्या आपको पढ़ना है, स्प्रेडशीट आती है एमएस एक्सेल में, आपको स्प्रेडशीट के बारे में ज्ञान होना चाहिए, एडिटिंग ऑफ सेल्स के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं आपको फॉर्मूलाज भी आना चाहिए, कॉपी पेस्ट के जो भी फलाने दिखड़े जो फॉर्मूला होते हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद करता हूँ कम्युनिकेशन में क्या आएगा, जैसे कम्युनिकेशन में क्या देते हैं, मैसेजेस वगैरह होते हैं, ईमेल्स वगैरह रिसीव कैसे करते हैं, सेंड करते हैं, इसके बारे में आपको आएगा। उसके बारे में इंटरनेट सर्विस और WWW और वेब ब्राउजर्स के बारे में क्या आएगा, इसमें देखिए दोस्तों आपकी क्या क्या आएगा, इसमें आपको इंटरनेट के बारे में आएगा, URL के बारे में आएगा, HTTP के बारे में आएगा, FTP के बारे में आएगा, वेबसाइट्स के वगैरह में आएगा, ब्लॉग्स के बारे में आएगा, वेब ब्राउजिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एडिटिंग, इनके बारे में आएगा। ये जो टॉपिक है ये कहां से कवर करने हैं, आप कोई भी बुक उठा सकते हो, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं वहां से भी ले सकते हो, कोई दूसरी भी किताब ले सकते हो, ये टॉपिक आपको क्लियर करने हैं तभी आपका कुछ होगा। ये मेन टॉपिक है, ये आपको करने ही करने हैं, अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी की बात है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो आपने चाहने वालों को, जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, अगर आप YouTube पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे तो भी आपको ये जो बुक है फ्री में आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।